दिनेश कार्तिक ने कुछ यूं किया। दीपिका को प्यार भरा गुड लक नई दिल्ली। निदास ट्रॉफी 2018 में अपने शानदार चौके छक्कों से टीम इंडिया को जिताने के बाद अब दिनेश कार्तिक पत्नी दीपिका पल्लिकल के लिए कुछ स्पेशल करते नजर रहे हैं। जी हाँ, दिनेश ने अपनी पत्नी और स्क्वाश चैंपियन दीपिका पिल्लई को सोशल मीडिया पर गुड लक विश किया। दीपिका आज से शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रही हैं। वह अपनी पार्टनर जोशना चिनप्पा के साथ मैदान में उतरेंगी। दीपिका को बूस्ट करने लिए पति दिनेश कार्तिक ने लिखा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, इन खेलों और खिलाड़ियों से है भारत को पदक की उम्मीद। अपनी पत्नी के लक्ष्य को हासिल करने में उसका साथ देना मेरे लिए सब कुछ है। 4 साल पहले हम दोनों एक प्लेन में साथ बैठे थे और कॉमनवेल्थ गेम्स से मिला गोल्ड मेडल लेकर घर वापस आ रहे थे। अब वह दोबारा 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रही हैं। मुझे उम्मीद है कि गोल्ड कोस्ट में उनका वह सपना फिर पूरा हो। यह 4 साल बहुत मुश्किल थे। घर को संभालने के साथ साथ दीपिका ने कड़ी मेहनत की और मुझे हर समय सपोर्ट किया। कॉमनवेल्थ में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से गुड लक। वहां अच्छी यादें बनाएं और हर पल को एंजॉय करें। भारत की तरफ से इस गेम में 225 सेकंड ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार भी पदक जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों से है। पिछली बार 2014 के ग्लासगो गेम्स में भारत ने 64 पदक जीते थे, लेकिन भारत का बेस्ट प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में रहा था। इन गेम्स में भारतीय दल ने 101 पदक हासिल किए थे। शिल्पा शेट्टी के ट्रेनर ने खोला राज, योगा से नहीं ऐसे घटाया 32 किलो वजन बता दे। दीपिका पल्लिकल ने 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी टीम की साथी जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता था। दीपिका के पति दिनेश कार्तिक समेत पूरा भारत दीपिका और जोशना से इस बार भी गोल्ड मेडल की उम्मीद लगा रहे हैं। देखे वीडियो, दीपिका पल्लिकल को दुनिया को क्यों बताना पड़ा अट्रैक्टिव हैं उनके पति दिनेश कार्तिक। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।